एक नया YouTube चैनल बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उस चैनल के लिए वीडियोस बनाने का, और वीडियोस बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ एसेसरीज की। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नया YouTube चैनल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या एसेसरीज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप किसी भी टॉपिक पर YouTube चैनल स्टार्ट करें, दो चीजों की आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। एक तो अच्छा सा मोबाइल फोन जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो चाहे हम मोबाइल का कैमरा यूज करके बनाएं या मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके बनाएं, दोनों चीजों के लिए आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। दूसरे, हम मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करेंगे। वीडियो एडिटिंग के लिए मोबाइल पर काइनमास्टर काफी पावरफुल एप्लीकेशन है। काइनमास्टर में आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए DSLR ले सकते हैं, और वीडियो एडिटिंग के लिए आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप भी ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग मोबाइल से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि आजकल काफी अच्छे मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, इनका कैमरा और परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। तो अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाने के लिए और वीडियोस को एडिट करने के लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए। दूसरी चीज जिसकी आपको अपने चैनल पर जरूरत पड़ेगी वो है माइक, क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए, अगर उसमें वॉइस क्लियर नहीं है तो आपका वीडियो बेकार है। मेरे पास काफी सारे माइक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है रोड का कॉलर माइक जिसकी कीमत है 7,000 रूपए। इसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और DSLR में यूज कर सकते हैं। और ये है रोड का वायरलेस माइक जिसकी कीमत है 22,000 रूपए। इसको भी आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, DSLR और मोबाइल फोन के साथ यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा माइक है जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। काफी सारे यूट्यूबर्स के पास आपने ये माइक जरूर देखा होगा। USB-C पोर्ट के थ्रू इसको कंप्यूटर और लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है। इसमें आपको एक 3.5 mm जैक भी मिलता है जिससे इसको DSLR और मोबाइल फोन्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये इस माइक का रिसीवर है जिसको DSLR, मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये है माइक जिसको कॉलर पर लगाया जाता है। क्योंकि ये कुछ बड़ा है, इसको कॉलर पर लगाने में मुश्किल होती है, तो कुछ लोग इसके साथ एक एक्स्ट्रा माइक कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉलर माइक अटैच करके इसको यूज कर सकते हैं। ये है जूम माइक, इसकी कीमत है 7,000 रूपए। ये एक हैंडी माइक है, इस तरह से हाथ में पकड़कर इससे ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस माइक को कहीं कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट ऑडियो रिकॉर्डर है। साथ ही इसमें एक कॉलर माइक को अटैच करके उससे भी ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इस माइक को भी काफी यूट्यूबर्स यूज करते हैं, लेकिन ये माइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये है ब्लू येति माइक, इसकी कीमत है 12,000 रूपए। लेकिन इसको सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ ही यूज किया जा सकता है, इसको आप DSLR या मोबाइल फोन के साथ यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस बनाने हैं जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर रिकॉर्ड करते हैं, तब आप इस माइक को ले सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसको भी काफी सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। एंड फाइनली ये है हमारा बोया BY-M1 प्रो माइक, कीमत है 1,000 रूपए। इसको आप स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, DSLR सभी पर यूज कर सकते हैं। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक से यूज हो रही है। हमारे सभी चैनल्स पर जो भी आप वॉइस सुनते हैं वो इसी माइक से रिकॉर्ड की जाती है। तो आप इस माइक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह का माइक आता है। इसमें आपको 20 फीट की केबल मिलती है। इसको आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, DSLR किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल के साथ यूज करने के लिए इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस बटन को आप ऑफ रखेंगे। और अगर आप DSLR के साथ यूज कर रहे हैं तो इसको आप DSLR से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इस बटन को ऑन कर देंगे। इसमें आपको एक स्मॉल बैटरी मिलती है जो कि DSLR से ऑडियो रिकॉर्ड करने पर ही यूज होती है, और ये बैटरी सालों साल चलती है। इसमें आपको एक कॉलर क्लिप और एक एयर फिल्टर भी मिलता है। इसमें आपको एक पिन भी मिलती है जिससे आप इस माइक को एम्पलीफायर में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप क्लिप और एयर फिल्टर लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में 3.5 mm जैक नहीं है बल्कि USB-C टाइप पोर्ट या कोई और पोर्ट है, तो आप एक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। आपको Amazon या Flipkart से एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन इसमें आप कनेक्ट करके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके बाद आप इससे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको वायरलेस माइक लेना है तो आप रोड का ये वाला माइक ले सकते हैं, इसकी कीमत है 22,000 रूपए। और अगर आपको कॉलर माइक लेना है तो आप बोया का ये वाला माइक ले सकते हैं, इसकी कीमत है 1,000 रूपए। इसके अलावा और भी एसेसरीज आती है, जैसे कि अगर आप इंडोर वीडियोस बना रहे हैं और आपको लाइट की जरूरत है तो आप इस तरह से एक पोर्टेबल लाइट ले सकते हैं। इसमें इनबिल्ट बैटरी आती है जिसको रिचार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाइट और येलो लाइट के और साथ ही लाइट को कम या ज्यादा करने के ऑप्शंस भी मिलते हैं। इस तरह
तरह से आप यहाँ पर लाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पर खड़े होकर या बैठकर वीडियो बनाते हैं तो आपको एक ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। ट्राइपॉड को एक जगह स्टैंड करके इस पर आप अपना DSLR या मोबाइल फोन माउंट कर सकते हैं। मेरे पास दो ट्राइपॉड्स हैं। ये वाला ट्राइपॉड मोबाइल फोन के लिए काफी अच्छा है और दूसरा है DSLR के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसकी काफी हाइट है। इस पर आप अपना DSLR माउंट करके उससे वीडियो बना सकते हैं। तो एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 डिवाइसेस होनी चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल फोन, एक माइक और एक ट्राइपॉड। वीडियो बनाने के लिए इस तरह से आप अपने ट्राइपॉड को स्टैंड करेंगे, इस पर आप अपना कैमरा या मोबाइल फोन लगाएंगे और इस तरह से आप इससे वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना होता है तो आप KineMaster एप्लीकेशन से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।